स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार क्लास में। जैसा आप सबको पता है दोस्तों, रेगुलर क्लासेज आपके लिए चल रही हैं, वो भी स्पेशल UPCHO की 5505 वैकेंसी के लिए। और एग्ज़ाम डेट भी आप सबके लिए जारी हो गई है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का 4 को है और कुछ कैंडिडेट का 7 को है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्लासों को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है, क्लास 24वीं क्लास है, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। और मेनली बात क्या है दोस्तों, ये जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी क्लास आप सबके लिए होने होंगी और क्वेश्चन भी आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए आज के बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन्स कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस इन इन्फेंट सॉरी चिल्ड्रंस, यानी कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी वैक्सीन्स है जो बच्चों में पैरालिसिस कॉज करती है, ठीक है। आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, मीजल्स वैक्सीन उसके साथ में, उसके बाद में सेबिन बोलियो वैक्सीन, DT वैक्सीन, DPT वैक्सीन, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन्स क्या कॉज करती है और ये कब लगाई जाती है? मीजल्स वैक्सीन जो लगाई जाती है दोस्तों, मीजल्स वैक्सीन मीजल्स बीमारी के लिए लगाई जाती है। और कब लगाई जाती है? ये 9 मंथ पर लगाई जाती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो कॉज करती है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है मीजल्स वैक्सीन का कॉज क्या करती है, ये स्पेशल कॉज हाइपर सेंसिटिविटी करती है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी करती है, लिख लीजिए इसको। दूसरी बात, और ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का कॉज करती है, TSS, क्या? मीजल्स वैक्सीन कब लगाते हैं? 9 मंथ पे लगाते हैं, ठीक है। और इसके साथ में आपको जो है विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है बच्चे के लिए, ठीक है। उसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं, सेबिन पोलियो वैक्सीन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेबिन पोलियो वैक्सीन होगा, ठीक है। सेबिन पोलियो वैक्सीन ये दोस्तों कॉज करती है, ये पोलियो वैक्सीन ही है, ठीक है। सेबिन पोलियो वैक्सीन, सेबिन का मतलब होता है ओपीवी पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और एक होती है साग, साग का मतलब क्या होता है? SALK, साग वैक्सीन। क्वेश्चन आता है यहाँ से OPV और IPV से रिगार्डिंग। जो सेबिन है दोस्तों वो OPV है और साग है वो क्या है? IPV, ठीक है, याद रखिएगा। IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और सेबिन जो होती है OPV यानी कि ओरल के द्वारा दी जाने वाली, और साग जो होती है इंजेक्शन के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। और आपको याद कैसे रखना है देखिए, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसको ओरल देते हैं और इसको जो है IM देते हैं। कितनी डोज देते हैं? इसको 2 बूंद देते हैं और इसको 0.5 ml देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेबिन पोलियो वैक्सीन होगा। नेक्स्ट है जो DT वैक्सीन डिप्थीरिया टिटनेस, और DPT वैक्सीन डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस वैक्सीन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे DPT वैक्सीन की, तो DPT वैक्सीन दोस्तों बच्चों में 6 साल तक लगाई जाती है, ठीक है, मोर देन 6 साल से नहीं लगाई जाएगी। अगर ये लगाते हैं तो न्यूरोलॉजिकल कॉज करती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, न्यूरोलॉजिकल कॉज करती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कौन सी वैक्सीन की वजह से है ये? ये पर्टुसिस की वजह से, न्यूरोलॉजिकल जो कॉज करती है पर्टुसिस की वजह से जो है कॉज करती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आएगा वो आप अच्छे से कर सकते हो। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सेबिन पोलियो वैक्सीन। इसका जो ये टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, इसका जो थर्ड टाइप होता है वही जो है कॉज करता है पैरालिसिस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं फिर? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस, BAP, ठीक है, इससे इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी। दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए उनको आप नोट कीजिए, ताकि आपके लिए जो भी कोई कन्फ्यूजन होगी वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा डिहाइड्रेशन का फर्स्ट साइन है? तो टैकीकार्डिया, पुअर स्किन ट्रिगर, रेस्टलेसनेस, थर्स्ट, डार्क कलर, यूरिन। तो आप अपना जवाब देंगे, उसके बाद में जो है आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थर्स्ट एंड डार्क कलर
यूरिन। इसमें पूछा गया है फर्स्ट साइन, अगर डिहाइड्रेशन का फर्स्ट साइन देखेंगे सबसे पहले हमें प्यास ही लगती है, ठीक है, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन क्या होता है। देखिए डिहाइड्रेशन के बारे में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इसका मतलब होता है हाइपोवॉल्यूमिक, यानी कि वॉल्यूम का कम होना, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोवॉल्यूमिक। और जो फर्स्ट साइन मैंने आपको बताया कि थर्स्ट है, ठीक है, इसमें आपको टैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसमें जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, डिहाइड्रेशन में बढ़ जाती है, यानी कि यूरिन जो है गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, और जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो डायबिटिक इंसिपिडस में जो है कम हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और डिहाइड्रेशन हाइपोटेंशन देखने को मिलता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, उस वजह से हाइपोटेंशन भी देखने को वहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन में हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, ठीक है। उसी तरीके से अगर आगे बात करें हमें जो कैपिलरी रिफिल टाइम इसमें पूछा गया है, देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो पुअर स्किन ट्रिगर जो कैपिलरी रिफिल टाइम पूछा है इसमें क्या होता है, कैपिलरी रिफिल टाइम CRT लेस देन 3 मिनट, ठीक है, 3 सेकेंड। तो इसमें जो है कैपिलरी रिफिल टाइम अगर 3 सेकेंड से कम होगा तो वहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये बाद के साइन होते हैं। अब डिहाइड्रेशन में जो साइन आपके अलग अलग देखने मिलते हैं, कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, एक मिलता है वासरमैन लिख लीजिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट, वासरमैन हैंड फुट, ठीक है, वासरमैन हैंड फुट का मतलब क्या है, जैसे काफ़ी टाइम के बाद जैसे धोबी कपड़े धोता है तो उसके पैर थोड़े उस तरीके से हो जाते हैं पानी में गलने की वजह से, तो डिहाइड्रेशन में भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं वासरमैन हैंड फुट सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा है स्केपोइड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इसमें क्या है जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, स्किन इलास्टिसिटी आल्सो डिक्रीज, और इसमें जो है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है, स्किन की इलास्टिसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और स्किन टर्गर इसमें डिक्रीज हो ही जाते हैं, ये सब आपको पता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट साइन आपका क्या होगा, थर्स्ट एंड डार्क कलर ऑफ यूरिन। जैसे ही आपको डिहाइड्रेशन कंडीशन देखने मिलेगी इसका फर्स्ट साइन होगा, सबसे पहले आपको प्यास लगेगी, उसके बाद में जो आपका यूरिन है वो डार्क कलर का देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा पीला पीला सा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है वो गाढ़ा हो जाता है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरीके से आप लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरीके से और उसका जवाब अपने आप देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में मैं तो आपको बताऊँगा ही। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, यानी कि हरी पत्ते सब्जियाँ जो होती हैं, पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, वो किसका सोर्स ज़्यादा होती हैं, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी, विटामिन डी, आप जो है इसका आंसर देंगे, उसके बाद में मैं आपको जो है आंसर दूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल किसका सोर्स होती हैं, विटामिन बी का, ठीक है। तो बी, विटामिन बी को क्या मिलता है, विटामिन बी से फॉलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं ये वीकनेस को भी दूर करती हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको डाइट में ये जो है प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए की बात की जाए, विटामिन ए में क्या होता है, विटामिन ए जो होती है रिचेस सोर्स होती है किसका, विटामिन कैरोटीन, ठीक है, जो कैरोटीन होता है वो विटामिन ए के द्वारा मिलता है, रिचेस सोर्स विटामिन कैरोटीन वो विटामिन ए के द्वारा मिलता है। और विटामिन सी आप सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड होती है, एस्कॉर्बिक इसका जो केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके अलावा जो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसमें पाई जाती है, आंवला में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आंवला, लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। दूसरी बात विटामिन डी की अगर बात करें, ये मल्टी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, इसमें जो है मिल्क में जो है आपको जो है देखने को मिलेगी क्या, विटामिन डी मिल्क प्रोडक्ट,
मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। तो विटामिन डी के इसमें देख लो, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट, दूध दही वगैरह इसमें देख लो, मिल्क, विटामिन सी, ये जो है आपकी जो है जो घाव को भरने में भी काम आती है, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में देखने मिलती है, आंवला में देखने मिलती है। विटामिन बी के जो है आंसर इसका करेक्ट होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन बी देखने मिलेगी। और विटामिन ए जो है आप सबको पता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग देखने मिलता है, रतौंधी, ब्लाइंडनेस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसबर्ग फिनोमेना इज नॉट सीन इन, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसबर्ग फिनोमेना इज नॉट सीन इन एड्स, टीबी, पोलियोमेलाइटिस, मीजल्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आइसबर्ग फिनोमेना के रिगार्डिंग। आइसबर्ग फिनोमेना से रिगार्डिंग दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का आता है, और आप ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन तो आएगा ही। आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। मान के चलिए ये जो है एक बर्तन ले लिया किसी ने, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से पानी भरा हुआ है, और ये इसमें जो है आइस है, ठीक है। तो ऊपर वाले की अगर बात करते हैं और नीचे वाले की अगर बात करते हैं, तो ये टिप है, ठीक है, क्या है, फ्लोटिंग टिप, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग टिप। ये फ्लोटिंग टिप क्या दर्शाती है, देखिए जिस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये हमको दिख रही है, तो दिख रही है, जो हमें दिख रहा है वो हमें दिखे हुए केस बताएगी, जैसे आइडेंटिफाई केस, ठीक है, आइडेंटिफाई केस। उसके बाद में जो है जो जिन केसों का हम पता लगा सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सिम्टोमेटिक जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो किस में आएंगी, डायग्नोस्ड केस, जो डायग्नोस किए जा सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहे हैं वो डायग्नोस कर लिए गए हैं, और इसी में जो अनडायग्नोस्ड, ठीक है, अनडायग्नोस्ड हिडन केस, नॉट सीन, और जितने भी ये क्या है, सबमर्ज पोर्शन, ये फ्लोटिंग टिप जो दिखा हुआ है फ्लोटिंग टिप है, और नीचे वाला सबमर्ज पोर्शन दबा हुआ पोर्शन है, इसमें जितने भी केस मिलेंगे हमें आपको, वो जितने भी केस होंगे वो हमें नहीं दिखेंगे, हिडन केस होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आइसबर्ग फिनोमेना का जो फ्लोटिंग टिप होती है वो क्या दर्शाता है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्ड केस, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है करेक्ट आंसर उसमें से चूज कर लेना है, ठीक है। अब देखिए आइसबर्ग फिनोमेना में के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कौन कौन से डिजीज सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसमें चार डिजीज को सम्मिलित किया जाता है, शॉर्ट में आपको बताऊँगा MRRT, इस तरीके से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन तो आता है। और एम का मतलब क्या होता है, मीजल्स, मीजल्स, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रूबेला, आर का मतलब है रेवीज और टिटनेस, ठीक है, TETNUS, ठीक है, MRRT, इस तरीके से आप याद रखिएगा। जो आइसबर्ग फिनोमेना होता है इसमें चार डिजीज को सम्मिलित किया जाता है, बाकी अदरों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइसबर्ग फिनोमेना इज नॉट सीन इन, तो कौन सी ये कंडीशन में देखने को, नॉट सीन इन, ठीक है, तो इनमें देखने को आपको नहीं मिलता है, मीजल्स रूबेला, मीजल्स रूबेला, रेबीज, टिटनेस, इनमें नहीं देखने को मिलता है, और सभी में जो है देखने को मिलेगा, सभी में जो है ये लागू हो जाएगा, जैसे एड्स में, टीबी में, पोलियोमेलाइटिस में, लेकिन मीजल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे आप, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। व्हाट डज ए नर्स एक्सप्लेन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द कॉज ऑफ हर फिजियोलॉजिकल एनीमिया, यानी कि इसमें जो पूछा गया है, व्हाट डज ए नर्स एक्सप्लेन टू प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द कॉज ऑफ फिजियोलॉजिक एनीमिया, तो फिजियोलॉजिक एनीमिया के बारे में जो है नर्स क्लाइंट को क्या बताएगी, ये कैसे हो सकता है, तो इरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन डिक्रीज, डिटॉक्सिफिकेशन बाय द लीवर इंक्रीज, तो आप इसका जो है करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है, उसके बाद में मैं जो है आपको बताऊंगा, आप अपने अपने आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए अगर फिजियोलॉजिकल एनीमिया की बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है, ये डिजीज वाली कंडीशन नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मदर का प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम और वाटर रिटेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जिस तरीके से मान के चलिए ये एक बर्तन है और इसमें आपका इतना ब्लड है ये, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो है अलग अलग घुल जाएगी और जो है इसकी मात्रा कम हो जाएगी,
हालांकि क्वांटिटी उतनी है लेकिन पानी की वजह से ये जो है कम दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो उसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका जो है वाटर रिटेंशन होगा, ठीक है, एडिमा भी देखने को मिलेगी इसमें, वाटर रिटेंशन इसमें इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो है आरबीसी की मात्रा कम देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में मैं आपको बताऊँ मोस्ट कॉमन एनीमिया वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन ये होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब देखने को मिलता है आपको, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में एक्चुअली देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो कौन से ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, तो लगभग ये कब देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। बेस्ट टाइम जो आयरन, हाँ आयरन कब देते हैं उसके साथ में, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आयरन देनी पड़ेगी, और आयरन कब देते हैं, बिटवीन मील, ठीक है, मील यानी खाने के दौरान देंगे, ठीक है। जो है आयरन कभी कभी क्या करता है, ये नोजिया वोमिटिंग कॉज करता है, नोजिया वोमिटिंग कॉज करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो नोजिया वोमिटिंग ये कॉमन फाइंडिंग है, कब है, अगर इसको खाने के बाद में, खाने के बीच में लेंगे तब दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन वैसे लेते हैं तब ये नोजिया वोमिटिंग कॉज करता है। और इसको जो है कभी भी मिल्क के साथ नहीं देंगे आयरन को, नेवर नेवर गिव विद मिल्क। और किसके साथ देते हैं इसको, हमेशा दोस्तों जो देते हैं विटामिन सी के साथ में देते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, विटामिन सी की वजह से जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इसको विटामिन सी के साथ देते हैं। और ब्लैक कलर स्टूल इसकी नॉर्मल फाइंडिंग है, अगर आयरन जो कैंडिडेट ले रहा है उसके ब्लैक कलर आ रहा है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल फाइंडिंग है। अब डोज के बारे में आपको बताऊं, टोटल प्रेगनेंसी में कितना आयरन देते हैं, 1000 मिलीग्राम, ठीक है, कब तक, 100 दिन तक, ठीक है। और एलिमेंटल जो आयरन होता है वो 60 mg होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया है। ए सिंगल डोज, ए सिंगल टैबलेट 0.5 mg ऑफ क्लोरीन इज सफिशियंट टू डिसइंफेक्टेंट, तो एक सिंगल डोज जो क्लोरीन की होती है वो कितने लीटर वाटर को प्योरीफाई करती है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट करती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 20 लीटर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन काफी बार आया, लिख लीजिए इसको। इसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए इनकी, तो जो बैटर का, वाटर का डिसइंफेक्शन किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्मॉल एरिया पे किया जाता है, एक तो स्मॉल एरिया, और एक किया जाता है लार्ज एरिया पे, ठीक है, स्मेल और लार्ज एरिया पे। लार्ज एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है स्टोरेज, स्टोरेज फिल्ट्रेशन, और तीसरा क्या है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन इफेक्टिव जो मेथड होती है वो फिल्ट्रेशन होती है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिल्ट्रेशन मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है। और डिसइंफेक्शन जो किया जाता है वो क्लोरीन की वजह से किया जाता है, जैसे आप क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन की वजह से डिसइंफेक्शन किया जाता है। और स्टोरेज, ये स्टोरेज में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, लार्ज स्केल का जो वाटर का प्यूरीफाई या फिर डिसइंफेक्शन किया जाता है वो स्टोरेज करके ही किया जाता है, और स्मेल एरिया का जो किया जाता है वो स्पेशल बॉयलिंग के द्वारा हो जाता है, ठीक है, बॉयलिंग के द्वारा हो जाता है। लार्ज का स्टोरेज करके किया जाता है, रैपिड सेट फिल्टर और स्लो सेट फिल्टर ये किस में देखने को मिलते हैं आपको, फिल्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं। जो स्लो सेट फिल्टर होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और आगे जो मैं आपको बताऊं, क्लोरीन जो होती है इसका आप जो है वैल्यू याद रखिए, क्लोरीन का रेजिडुअल वॉल्यूम इन वाटर, ये आप लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना
क्लोरीन रेजिडुअल वॉल्यूम वाटर में जो याद करते हैं बताते हैं वो किस किसके द्वारा पता करते हैं, ऑर्थो टॉलरेंट टेस्ट के द्वारा, ऑर्थो टॉलीडिन टेस्ट, इसको आप लिख लीजिए, ऑर्थो टॉलरेंट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। और डिमांड जो डिमांड पता करते हैं कितनी डिमांड रहेगी वो हॉरेक्स एपरेटस के द्वारा याद करते हैं। ठीक है, डिमांड, अगर डिमांड की बात की जाए मतलब कितनी डिमांड है क्लोरीन की कितने वाटर में, तो इसके लिए क्या यूज मिलेंगे, कौन सा टेस्ट यूज मिलेंगे, हेरोक एपरेटस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतने क्वेश्चन रहेंगे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी UPSC CHO की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपने अगर हमारी पिछली क्लास उसको नहीं देखा है वो जाके जरूर देखें, क्योंकि बेहतरीन सेशन आप सबके लिए देखने को मिलेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल लेके आएंगे उसी तरीके से। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।